फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल असली देसी किचन में। तो आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूं मैं, ब्रेड की बर्फी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूं मैं ब्रेड की बर्फी। तो उसके लिए मैंने ये ब्रेड क्रम्स बना के रख लिया है, पीस लिया है महीन सा बारीक एकदम फाइन। तो दो कटोरी है ये वाली, कटोरी मेजर कर ली है। देखिए ये है ब्रेड क्रम्स, मैंने बना लिया है और अब इसमें लगाने जा रही हूँ। अगर आपका दो कटोरी है तो चार गिलास यानी कटोरी ये दूध लगेगा इसमें। तो पहले मैं दूध चढ़ा देती हूँ गैस पर। और दूध अगर मलाई वाला है तो ज्यादा अच्छा है, टोंड अगर ले रहे हैं तो उसमें दो चम्मच घी डाल दें देसी। मैं मलाई वाला ले रही हूँ। लगभग ये सारा दूध डाल ही देती हूँ, 1.5 किलो दूध है लगभग। तो इसको गैस ऑन कर देती हूँ और इसमें कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर में कुछ नहीं डालने वाली, कुछ भी नहीं डालूंगी, बस दूध। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कच्चा दूध है तो आप कच्चा भी ले सकते हैं और बॉइल्ड है तो बॉइल्ड भी ले सकते हैं। इसको देखिए फ्रेंड्स, अभी दूध आधा हो गया है, अभी और पकाना है हमें, इसे गाढ़ा करना है, 1/4 पर लाना है। और पकाते हैं, अब देखिए अब रह गया ये 1/4। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ये ब्रेड क्रम्स को। उससे पहले मैं डाली हूँ ये हरी इलायची का पाउडर, ये 6 से 7 हरी इलायची का पाउडर है। और अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर दें, आप यहाँ पर केसर भी डाल सकते हैं, केसर के कुछ धागे डालें तो अच्छा रहेगा, फ्लेवर अच्छा आता है केसर से भी। और यहाँ पर आप कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी अभी कर लें इसी टाइम, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं ऊपर से डालूंगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स, थोड़ा थोड़ा करके डालें, गैस स्लो रखें इस टाइम पे और इसे चलाते रहें। देखिए आप, इसको साथ साथ मिला रही हूँ मैं, हो सके तो गैस बंद ही करते हैं इस टाइम पे क्योंकि बहुत जल्दी ठीक होता है ब्रेड डालते ही। मैं ये भी डाल लेती हूँ, अब इसको मैं इसमें मिक्स करती हूँ। और मैंने कुछ नहीं डाला है, बस दूध है, ब्रेड क्रम्स हैं और चीनी, बस इलायची फ्लेवर को डाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, ये 150 ग्राम चीनी है। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा कर सकते हैं, 200 ग्राम डाल दें, अपने स्वाद के अनुसार डाल लें चीनी जैसा मीठा खाते हैं। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और फ्रेंड्स इस टाइम पर फ्लेम को स्लो ही रखें, एकदम लो, और ध्यान रखें कि चीनी पहले कभी ना डालें, चीनी बाद में ही डालें ब्रेड क्रम्स डालने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छी तरह से हो गया है, मैं गैस बंद करती हूँ, अभी तैयार है बर्फी जमने के लिए। अब ये पैन को छोड़ रहा है, देख लीजिए पैन छोड़ दिया है इसने, तो अब ये रेडी है। अब मैं गैस बंद करती हूँ, गैस बंद कर दी मैंने। अब
अभी चलाना है मुझे क्योंकि गैस अभी बंद कर दी है, बट ये गर्म है कढ़ाई, मुझे अभी चलाना पड़ेगा ये लगातार। देखिए फ्रेंड्स, थाली को ग्रीस कर लेती हूँ मैं। अगर आपके पास कोई ट्रे है उसमें आप जमा लीजिए, नहीं तो अगर ट्रे नहीं है तो थाली में जमा लीजिए। इसलिए मैं थाली में जमा के दिखा रही हूँ, थाली में भी जम जाती है अच्छे से, और सेट होने के लिए फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखें। तो हो गया, अब इसमें बैटर को डाल लेती हूँ। कोई चम्मच या किसी मदद से इसको सेट कर लें। अब जैसे बर्फी सेट कर दी है और अब इसमें मैं काजू बादाम डाल देती हूँ। आपको अगर मोटे पीस या पतले पीस चाहिए उसके हिसाब से आप इसको सेट कर दें, और जो भी ड्राई फ्रूट ऊपर से डालना चाहें, काजू या पिस्ता या बादाम को आप डाल दें, मुझे ये अच्छे लगते हैं पिस्ता, ये डाल दें। प्रेस कर देना है ताकि ये पिस्ता इसमें अंदर तक हो जाए, इसमें सेट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, बर्फी सेट हो गई है। अब मैं इसको, मैंने कट लगा दी थी पहले, मैं इसको कट करती हूँ। क्योंकि सेट हो जाने के बाद दिक्कत होती है, इसलिए पहले कट लगा दी थी मैंने, उसको काट लेती हूँ। एकदम बहुत मस्त सेट हुई है, देखो देखो कैसे निकल रहे हैं सारे पीसेस। देखिए फ्रेंड्स, बर्फी सर्व कर दी है और बताइए आपको ये कैसी लग रही है, और बहुत जल्दी बनती है ये। और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी। थैंक यू।